हाय एवरीवन, फिर से आप सभी को एक नया ब्लॉग में स्वागत करते हैं। और आज की ब्लॉग पूरा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि असम में सबसे बड़ा टी गार्डन में आज नाइट शो होने वाला है। और वहाँ में आ रहे हैं अमृत तंती, जो असम में उसका गारा धूम मचा रहा है। आज उसी के साथ नाइट शो परफॉर्मेंस करेंगे हम लोग, और साथ में फीमेल सिंगर आ रहा है विप्लवी का कुंडली। और गैस में रात में शूट कर रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा साइज नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। और गैस आप लोग देख सकते हैं मेरा पुराना घर से, आप लोग देखते होंगे कि पुराना घर से वीडियो दे रहा था। गैस मैं प्रोग्राम के लिए घर आया था, और चराली में मेरा पिता चराली में कुछ काम था, तो इसीलिए आया था गैस। तो इसलिए हम पुराना घर से आप लोग को ब्लॉग दे रहा हूँ। तो गैस ठीक है, आप लोग बने रहे ब्लॉग पे, अच्छा से देखे बिना स्किप किए। और मेरा चैनल पे जो नया आया हुआ है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब की दीजिए, और घंटी बेल आइकन को उसको भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा आने वाला जो ब्लॉग सब आप लोग को सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे। तो गैस हम लोग घर से निकल चुके हैं, और घर को अच्छा से ताला उला लगा दिया। तो अभी गैस हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी रास्ते पे रुका हुआ, तो गाड़ी के सामने हम लोग जा रहे हैं। तो गैस हम लोग अभी गाड़ी के सामने आ चुका हूँ, तो अभी इसी गाड़ी से हम लोग जाएंगे मुनावड़ी बीच तक आज के नाइट शो परफॉर्मेंस करने के लिए। तो गैस आज मेरा वॉइस शायद इतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि दो दिन में ऐसे रूम में थोड़ा कुछ काम था तो कर दिया, तो मेरा थोड़ा कसी भी थोड़ा हो गया है, सर्दी भी थोड़ा हो गया है, तो इसलिए गैस वीडियो में इतना वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है शायद। तो गैस इधर देख रहे हैं, ये एक मंदिर है, और ये सदारू मंदिर बोलते हैं। यहाँ में बहुत लोग आते हैं दूर दूर से, शादी के लिए भी आते हैं, और बोलबम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होते है गैस। हम लोग अभी चराली टाउन में घुस चुका हूँ, तो अभी इसको बोलता है सप्लाई। गाइस हम लोग का गाड़ी को थोड़ा खाना खिला दूंगा यहाँ पे, और शायद इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, गाइस तो शायद उस गाड़ी को लगा दिया, इसलिए रुका हुआ है गाड़ी से। गाइस आप लोग को दिखा रहा हूँ रात का विश्वनाथ चराली का थोड़ा नज़ारा। तो गाइस यही था विश्वनाथ चराली का रात का नज़ारा, और आप लोग देख सकते हैं विश्वनाथ चराली का थोड़ा रात का नज़ारा। और अभी गाइस हम लोग थोड़ा कुछ चाय पी लेंगे। तो गाइस हम लोग को मोमो खाना था, तो उसमें इतना अच्छा खासा मोमो नहीं बनाया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस पर। गाइस आप लोग देख सकते हैं, उधर देखते हैं कैसे बनाया। गाइस अभी हम लोग उधर पा रहे होंगे, गाड़ी आ रहा है। हम लोग अभी दूसरे दुकान पे आया हूँ, बोलते पासपोर्ट। तो गाइस हम लोग अभी सामने अभी मोमो खाएंगे, मोमो टेस्ट करके कैसे लग रहा है गाइस, मोमो खा के देखते हैं। गाइस मोमो बहुत ही टेस्टी बना है भाई ने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइए भाई का दुकान से मोमो खा के टेस्ट करने के लिए। तो गाइस अभी हम मोमो के साथ सूप पी रहा हूँ। और गाइस इसे दुकान इसे लाइन पे 5-6 साइड है, भाई का सामने टेस्ट भी ज़्यादा है, और पैसा भी थोड़ा कमती लगता है। दूसरे दुकान पे खाने जाऊंगा तो 50 रुपये लगता है, तो इसमें 40 रुपये में हो जाता है, इसीलिए भाई का
दुकान पे आया हूँ, पहले भी मैं खा चुका था, आज भी आया हूँ भाई की दुकान पे खाने के लिए। तो गाइस इधर देख रहे हैं विश्वनाथ चौराहे का नज़ारा रात का, रात में इधर घूमने फिरने का मज़ा ही कुछ अलग है गाइस। तो क्या करो, हम लोग का नसीब में नहीं है रात में घूमने के लिए इधर, हम लोग जन्म भी इसी जगह पे लिया हूँ, तो टाउन में होता तो बहुत ही मज़ा लगता गाइस। तो आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहा है, टाउन से या चाय बागान से, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो फीलिंग्स कैसे लगता है तब पता चलेगा। तो गाइस हम लोग का विश्वनाथ चौराहे का पुलिस पॉइंट पहुंच चुके हैं, और इधर देख सकते हैं एक शॉपिंग मॉल बहुत ही बड़ा सा नया नया खुला है। तो ये भी गाइस एक तो लॉज है ली प्लेस, आप लोग देख सकते हैं। गाइस हम लोग का भी पुलिस पॉइंट में रुका हुआ और गाइस जो उखो वाला बिल्डिंग देख रहा है उसको सिटी हब कहते हैं, अभी शायद बंद है, नहीं खुला है शायद, रॉयल प्लेस भी है। और गाइस इधर देख सकते हैं बड़ा बड़ा गाड़ी लोग खड़ा हुआ है, और एक बहुत बड़ा बड़ा 25-30 लाख का गाड़ी, ये गाड़ी ज्यादा होगा रे, शायद ज्यादा होगा 25-30 लाख से ज्यादा ही होगा। तो गाइस वो था बस स्टैंड गुवाहाटी उठी जाने वाला। तो ये है गाइस डेलिकेसी, इसमें गर्लफ्रेंड लेके आप लोग खाने के लिए आ सकते हैं। और गाइस जो लास्ट में देख रहा है वो लाल बाती देख रहा है आप लोग, वो एक इमरजेंसी रूम, मतलब वो मेडिकल है, उसको क्या बोलते हैं जेके मेडिकल, अगर कुछ बीमार हुआ है तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अवेलेबल है, सीट खाली है, आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पे गाइस एक तो तेल डिपो है, यहाँ में शायद कुछ दुर्गा पूजा होगा, पेंडल बना रहा है, हमारा ड्राइवर भैया ने बहुत ही अच्छा गाड़ी चला रहा है। और गाइस आप लोग ड्राइवर भैया से थोड़ा आशीर्वाद कीजिए, ये भी अच्छा से जाके हम लोग को नाइट शो दिखाने के लिए। ये गाइस इधर है बाय द होटल, हम लोग पार हो चुके हैं शायद बाय द होटल, तो नहीं पार हुए शायद, यही है बाय द होटल, बहुत फेमस होटल है गाइस बाय द होटल। तो गाइस आकाश भैया का घर पे गाड़ी नहीं घुसा है, वो बहुत ही गुस्सा हो चुका है, बहुत ही गुस्सा से आकाश भैया हम लोग को बहुत ही डांटा है, हाल बल बोल के बहुत ही हाल बल बोल के बहुत ही गुस्सा हुआ है गाइस। तो क्या करेंगे, आज गाड़ी नहीं घुसा है, फिर दूसरे प्रोग्राम में घुसा देंगे गाड़ी उसका घर तक, उसका टेंशन क्यों ले रहे, तो मेरा जीवन है, मैं तो अरे ड्राइवर कैसे चलाता है, इधर इधर करता है गाड़ी, लोग को ओवरटेक कर दिया है, अभी इसको छोड़ेगा नहीं गाइस, अभी हम भी उसको ओवरटेक करेंगे कल, आज रात हो गया इसलिए नहीं करेंगे, कल उसको दिन में ओवरटेक करेंगे गाइस। तो गाइस उबित भाई ने अच्छा खासा गाना भी गा लेता है और गिटार भी अच्छा खासा बजा लेता है, लेकिन स्टेज पे कभी गाया नहीं, कभी कभी गा लेते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि हमारा भैया जो क्या नाम था चैनल का आपका, दीवान भैया 83, दीवान भैया 83, उस चैनल को आप लोग सभी सपोर्ट कीजिए। तो गाइस इधर साइकिल पेडल मार मार के 3-4 लोग जा रहे हैं, शायद प्रोग्राम देखने के लिए जा रहा है, प्रोग्राम देख के आते ही ना घूम पाते ही, जल्दी आए आए। तो गाइस वो देख सकते हैं ये हमारा विश्वनाथ चौराहे डिस्ट्रिक्ट का पावर गेट है, और पावर गेट में अंदर क्या क्या होता है मुझे इतना पता नहीं, कभी घुसा नहीं अंदर में, तो इसको पावर गेट बोलते हैं। तो गाइस ये पावर गेट है, और हम लोग का ड्राइवर को थोड़ा सुसु लगा हुआ है, तो भी अभी सुसु करने में थोड़ा उतरे हुए। और तो गाइस हम लोग मुनाबाड़ी की स्टेट पहुंच चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ का गेट है, गेट में हम लोग इधर घुस जाएंगे। और गाइस हम लोग का खाना वाना कमेटी ने यहाँ पर ठीक कर दिया है, तो इस कमेटी ने हम लोग के लिए विशाल होटल में खाना वाना ठीक कर दिया है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से खाना वाना खा के हम लोग जाएंगे प्रोग्राम के सामने। तो गाइस चलिए अंदर देखते हैं कमेटी ने हम लोग के लिए क्या क्या खाना इंतजाम कर दिया है, देखते हैं और खा के जो भी इंतजाम कर दिया खाना पड़ेगा ही, सारा रात हम लोग को परफॉर्मेंस करने वाला है। तो गाइस ठीक है, आप लोग देखते रहे, चलिए अंदर जाके देखते हैं।
गिलास सब देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है गिलास सब देखने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर गाइस। हमारा खाना उना लग गया है, आप लोग देख सकते हैं, और खाना का साथ इधर चिकन है और इधर दाल सब्जी है और बहुत ही अचार भी है साथ में। तो गाइस ठीक है, हम लोग खा लेते हैं। हम लोग अच्छा से खाना उना खा लिया है और खाना बहुत ही टेस्टी बनाया हुआ था कारीगर ने। और गाइस दुकान पे इन लोग का क्या क्या मिठाई मिलते हैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, पूरा जब भी आएगा विशाल होटल में अब ऐसे मिठाई देखने को और खाने के लिए अवेलेबल है। बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था गाइस, और दुकान का मालिक यही है, गाइस यही है मालिक। हम लोग का वीडियो जो देख के आएगा ना 10-20 रुपया कम देंगे। ठीक है, नया होटल है गाइस, आप लोग इधर गाड़ी लेके जाते हैं तो मुनाबाड़ी का गेट का आस पास विशाल होटल बोल के बोर्ड लगा हुआ है, और इसमें खाना खा के जाइए, बहुत ही अच्छा बनाता है गाइस खाना। गाइस खाना का काम एक बोतल पानी भी ले लिया है, क्योंकि मुझे दवा खाना है तो इसलिए एक बोतल पानी भी ले लिया है। गाइस हम लोग प्रोग्राम में आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं इसी गेट से ही एंट्री करते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं प्रोग्राम का समय, और थोड़ा देर बाद आप लोग को प्रोग्राम का मंच दिखा रहा हूं। और गाइस हम लोग को कमेटी ने थोड़ा रेस्ट करने के लिए दिया है, देख सकते। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यही था स्टेज और पब्लिक का थोड़ा नज़ारा देखिए, बहुत ही ज़्यादा आदमी आया हुआ है प्रोग्राम देखने के लिए अमृत तंति का। गाइस अभी हम लोग स्टेज का ऊपर में जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट फिटिंग करने के लिए, कमेटी ने बोल दिया इंस्ट्रूमेंट फिटिंग करने के लिए। हम लोग अभी स्टेज पे उठ चुके हैं फाइनली, आप लोग देख सकते हैं। और गाइस आप लोग का ऑडियंस का थोड़ा नज़ारा दिखा रहा हूँ, मुनाबाड़ी की स्टेज का ऑडियंस का थोड़ा नज़ारा। गाइस आज का प्रोग्राम इतना सा ही था, प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, वीडियो लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो गाइस हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी खोल चुका है, देख सकते हो गाइस, देख सकते हैं अभी पब्लिक भी नहीं है। गाइस हम लोग का यही था अमृत तंति, दादा ने बहुत ही अच्छा खासा अभी मतलब आसाम में धूम मचा रहा है और चारों तरफ प्रोग्राम अच्छा खासा कर रहा है आसाम में, बहुत ही तो गाइस हम लोग का फीमेल सिंगर था विप्लवी का। हम लोग प्रोग्राम करके अभी घर जा रहा हूँ, सुबह हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस आप लोग को, तो गाइस आप लोग को दिखाऊंगा, अभी रात को कल देखा नहीं पाया। तो गाइस यहाँ मैं जो मुनाबाड़ी टी स्टेट का चाय फैक्ट्री दिखाऊंगा आप लोग को। गाइस ये था मुनाबाड़ी टी स्टेट का चाय बागान, असम का जो सबसे बड़ा बागान का चाय फैक्ट्री यही था गाइस, आप लोग को दिखा दिया। प्रोग्राम करके चला आया अभी विश्वास चरण में, तो गाइस यहाँ में थोड़ा चाय हम लोग पी लेंगे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा चाय पी लेंगे खाली चाय। और सुबह हो गया विश्वास चरण का थोड़ा सुबह सुबह का नजारा, हम सभी लोग ने अच्छा अच्छा से प्रोग्राम करके घर पहुँच चुका हूँ। अब ये लड़की ने सुबह सुबह उठ के इधर क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो गाइस आज का वीडियो इतना सा ही था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट
और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो अपना अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। तो गाइस इतना सही था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।